हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। और आज हम इस पर बात करेंगे यूपीपी का जो फिजिकल एग्ज़ाम डेट है उस फिजिकल आपसे जो लूँ कभी भी फिजिकल नहीं हुआ है 2018 की वैकेंसी जो आपके फिजिकल चल रहा है और इसका मेडिकल अभी बाकी कुल सभी लोगों का। तो कुछ लोगों के लिए ये संशय बना हुआ है कि जिन लोगों का चूँकि डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन हो चुका है उनका अभी फिजिकल के लिए डेट नहीं है। तो दोस्तों आपके लिए डेट आ चुकी है, आपका फिजिकल 6 और 7 तारीख को होने वाला है जनवरी में ही इसी मंथ में, और आपका एडमिट कार्ड होगा जो कब डाउनलोड होगा तो सारा कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर मिल जाएगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें, क्योंकि दोस्तों इस पे सभी भर्तियों संबंधित जो लेटेस्ट अपडेट होती है ना वो आपको सबसे पहले कराई जाती है। ठीक है, तो सभी अपडेट्स होने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का, और आज जानते हैं कि आपकी जो नई होने वाली है वो कब से होने वाली है और कब होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि ऑलरेडी मैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आया हूँ और इसमें आपको एक नई सूचना मिल रही होगी। जो सूचना है यहाँ पे आप देखिएगा, ये सूचना है, इसी सूचना के संबंधित मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो इस चूंकि इस सूचना में बताया गया दोस्तों आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी पीएससी के पदों पर सीधी भर्ती 2018 की प्रक्रिया के अंतर्गत अब तक शारीरिक मानक परीक्षण की कार्यवाही में सफल अभ्यर्थियों जिनका शारीरिक दक्षता परीक्षा की कार्यवाही नहीं हो पाई है उन अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा के संबंध में। जी दोस्तों, तो ये सूचना उसी के संबंधित है। चलिए दोस्तों हम इस पर क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि सूचना में हमें क्या बताया जा रहा है। और हमारी जो फिजिकल चूँकि होने वाला है पीईटी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो वो कब होने वाला है और उसका एडमिट कार्ड हमें कैसे प्राप्त होंगे तो सभी कुछ देखते हैं। तो इस पर सबसे पहले हमें क्लिक करना होगा, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया डाउनलोड होकर पीडीएफ फाइल खुलेगी जो बोर्ड द्वारा इस पर अपलोड किया गया है और हमारे सामने वो अपलोड हो चुका है। चलिए दोस्तों अपलोड डाउनलोड हो चुका है, हम आपको इसको क्लिक करते हैं, खोलते हैं और दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से आपको सूचना दी गई है। तो चलिए इसी सूचना को और हम नीचे स्क्रॉल करके दिखाते हैं। सूचना में लिखा गया है दोस्तों कि आरक्षी नागरिक पुलिस और आरक्षी पीएससी के पदों पर सीधी भर्ती 2018 की प्रक्रिया के अंतर्गत अब तक संपादित अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की कार्रवाई में सफल अभ्यर्थियों जिनका शारीरिक दक्षता परीक्षा की कार्यवाही नहीं हो पाई है उन अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा के संबंध में। आपको यह देखिए 2 जनवरी 2019 का ये आपको सूचना दी गई है और आपको यह सूचना हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। चलिए दोस्तों इसमें आपको बताते हैं कि आपका कहाँ कैसे होने वाला है। इसमें अब क्या बता चुकी है दोस्तों, वो तो केवल एक टैगलाइन था, इसमें बताया गया था किस चीज़ में है। तो और आप इसके बारे में क्या कहा गया है आप वो देखिए। इसमें बताया गया है कि आरक्षी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी पीएससी के पदों पर, आप यहाँ पर देखिएगा पदों पर सीधी भर्ती 2018 की प्रक्रिया के अंतर्गत अब तक संपादित अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की कार्रवाई में सफल अभ्यर्थियों जिनका शारीरिक दक्षता परीक्षा की कार्रवाई नहीं हो पाई थी उन अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा, अब देखिए ये आपका दिनांक है 6 जनवरी 2019 और 7 जनवरी 2019 को निम्नांकित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दो जगह पे हैं और दोनों जगहों पे आपका परीक्षा संभावित है, यानी परीक्षा आयोजित करने का निश्चित किया गया है। अब देखिए वो परीक्षा जनपद कहाँ है, जनपद आपका एक लखनऊ में बनाया गया है और एक आपका मेरठ में बनाया गया है। और आपको कहाँ पहुँचना होगा, परीक्षा केंद्र का जो एड्रेस है वो 35वीं वाहिनी PSC लखनऊ एक ये है और एक 6वीं वाहिनी PSC मेरठ, इन दो परीक्षा केंद्रों पर इन दो जनपदों पे इस परीक्षा में पहुंचकर आपको अपनी शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपको सम्मिलित होना है और अपने आप को साबित करना है। तो चलिए दोस्तों और दिखाते हैं इसमें नीचे और इसमें, और इसमें बताया गया है क्या, इसमें उल्लेखनीय है कि पूर्व में शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रतिभाग कर चुके अभ्यर्थी उक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे, यानी कि मतलब जो पहले से परीक्षा दे चुके हैं जो लोग पास हों या फेल हों तो वे अब इस परीक्षा में प्रतिभाग नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा की कार्रवाई नहीं हो पाई थी, यानी जिन अभ्यर्थियों का नहीं हुआ था उन अभ्यर्थियों के नए प्रवेश पत्र दिनांक 4 जनवरी 2019 से बोर्ड की वेबसाइट, जो दोस्तों इस बोर्ड की वेबसाइट जो है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा होगा दोस्तों, आप उस पर जाकर के क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे। उपलब्ध मतलब इसी वेबसाइट पर आपको क्या होगा, अपना एडमिट कार्ड मिलेगा 4 जनवरी के बाद से। और आप जिन्हें अभ्यर्थी
प्रवेशपत्र डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत होती है तो हमें कमेंट में बताएं, अपना डिटेल्स शेयर करें, मैं उनको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उनके मेल पर मेल कर दूंगा। और भी किसी प्रकार की किसी भी सहायता के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी सवाल को रख सकते हैं। उन्हें परीक्षा सेंटर पर पहुंचकर अपनी उपस्थिति दिखा करके अपना जो भी आपका फिजिकल टेस्ट होगा आप उसमें फिजिकल एलिबिलिटी टेस्ट अपना कराइएगा। तो मेरे दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिएगा और जितने भी आपके पास व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप हैं सभी ग्रुपों में शेयर करिएगा ताकि जितने लोग हैं सबको इस बारे में पता चल सके। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर जो भी लेटेस्ट अपडेट आते हैं यूपीपी या फिर किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी के तो सारे अपडेट आपको बहुत ही जल्द कराए जाते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच दोस्तों।